प्रकार होगा इसमें, तो ध्यान से कहीं डाउट हो या कुछ क्लियर नहीं हो तो पूछ लेना। कैपेसिटर फिल्टर, इंडक्टर फिल्टर, ठीक है नंबर भी लिख देते हैं, 1, 2, 3 और 4। जैसे हमारे पास 4 टाइप है, कैपेसिटर फिल्टर, इंडक्टर फिल्टर, LC फिल्टर, ठीक है, और CLC, इसको कभी कभी हम लोग पाई फिल्टर भी बोलते हैं, पाई फिल्टर, ठीक है। तो हम वन बाय वन देखेंगे कि अलग अलग फिल्टर्स और उनका परफॉर्मेंस कैसा है। तो कैपेसिटर फिल्टर, इंडक्टर फिल्टर, इन सारे फिल्टर्स में अगर हम बात करें तो एलिमेंट 2 ही है, कैपेसिटर और इंडक्टर, ठीक है। तो कैपेसिटर और इंडक्टर क्या कहलाते हैं बेटा, कैपेसिटर और इंडक्टर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, कैपेसिटर और इंडक्टर जो है ये दोनों है फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव एलिमेंट, सी एंड एल, ये है फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव एलिमेंट। फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव एलिमेंट क्यों बोलते हैं इसको, नेटवर्क में आप लोगों ने देखा, फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव का मतलब है कि इन एलिमेंट्स के जो रिएक्टेंस होते हैं, ठीक है, या इन जनरल इंपीडेंस अगर मैं बोलूं तो वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। सी के लिए हम बात करते हैं, एक्स सी की वैल्यू होती है 1/ωc, हम लोगों ने पहले देखा हुआ है, ठीक है, या 1/2πfc। ऐसे ही एक्स एल है तो हम बोलते हैं ओमेगा है 2πfl, ठीक है, ज्वाइन किया क्या लोगों ने, अच्छा ठीक है। बाकी लोगों को लिंक नहीं गई थी क्या, किसी को भी नहीं गई थी आज लिंक, बताओ मुझे। नो सर, लिंक नहीं आई थी, अभी अभी देखा तो आई है, 10:30 तो नहीं थी। ठीक है, थोड़ा कंफर्म कर लिया करो बेटा ना, कभी कभी ये, क्योंकि देखो थर्ड पार्टी ऐप है, जूम पे हम लोग मीटिंग ले रहे हैं, बट जो इंटीग्रेशन है दैट इज ग्रेट लर्निंग, अब वो ग्रेट लर्निंग से मेल नहीं गया होगा, मे बी जो भी रीजन रहा हो, तो थोड़ा सा कंफर्म कर लिया करो लेक्चर के टाइम पे, अगर लेक्चर नहीं हो रहा है तो, ठीक है, ऐसा कम ही होगा कि लेक्चर के टाइम पे लेक्चर ना हो, और अगर नहीं लूंगा मैं तो मेंशन करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। चलो, तो अब आप देखो जरा ध्यान से, ये जो मैंने रिएक्टेंस लिखे हुए हैं दोनों के, इंडक्टर और कैपेसिटर के, ये एफ डिपेंडेंट हैं, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर मैं बोलता हूँ लो फ्रीक्वेंसी है या जीरो फ्रीक्वेंसी है, जीरो फ्रीक्वेंसी के लिए, इसके लिए एक्ससी की वैल्यू कितनी होगी, कोई बता सकता है मुझे? ऐसे ही एफ अगर जीरो है तो एक्सएल कितना इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये जीरो, ठीक है, और एफ अगर हाई है तो एफ हाई के लिए एक्स ही ऑलमोस्ट जीरो कह सकते हैं, ठीक है, बहुत हाई वैल्यू के लिए, और एक्स एल ऑलमोस्ट इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये दो बिहेवियर मैंने लिखे हैं, ध्यान से देखो, एक फ्रीक्वेंसी जीरो के लिए और एक फ्रीक्वेंसी हाई के लिए। क्या होता है, डीसी वोल्टेज और एसी वोल्टेज, ठीक है, डीसी मतलब जीरो फ्रीक्वेंसी और एसी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ठीक है। तो डीसी सिग्नल में क्योंकि जीरो फ्रीक्वेंसी है तो उन डीसी सिग्नल्स के लिए कैपेसिटर और इंडक्टर का बिहेवियर अलग अलग है। कैपेसिटर उसको इनफिनाइट इंपीडेंस ऑफर करता है डीसी को, मतलब कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करेगा, ठीक है, कैपेसिटर का इनफाइनाइट इंपीडेंस है, मतलब रेसिस्टेंस शो करेगा वो डीसी के लिए इतना, और सेम कैपेसिटर एसी सिग्नल जो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है उनके लिए लो इंपीडेंस ऑफर करेगा या लो रिएक्टेंस है। तो बेसिकली कैपेसिटर की अगर मैं बात करूं तो डीसी के लिए, ये है तुम्हारा डीसी और दिस इज एसी, तो डीसी के लिए इसको मैं क्या बोलूंगा, ओपन सर्किट, इनफिनिट इंपीडेंस हम ओपन सर्किट से रिप्रेजेंट करते हैं और जीरो को हम करते हैं शॉर्ट सर्किट से, ठीक है। तो कैपेसिटर ऑफर्स इनफिनिट इंपीडेंस टू डीसी, हेंस एक्स एस ओपन सर्किट। कैपेसिटर जो होता है वो डीसी के लिए इनफिनिट इंपीडेंस ऑफर करता है, इसलिए ओपन सर्किट जैसे बिहेव करेगा और एसी के लिए शॉर्ट सर्किट जैसे बिहेव करेगा। सिमिलरली इंडक्टर डीसी के लिए जीरो इंपीडेंस ऑफर करेगा, मतलब शॉर्ट सर्किट जैसे बिहेव करेगा और इसके लिए ओपन सर्किट, ठीक है। ये एनालिसिस ध्यान रखना अपने माइंड में, जब हम फिल्टर पढ़ेंगे तो ये एनालिसिस जरूरी है। कैपेसिटर डीसी के लिए ओपन सर्किट, एसी के लिए
ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्किट, और मतलब हाई अगर फ्रिक्वेंसी है तो इंडक्टर जो है डीसी के लिए शॉर्ट सर्किट और एसी के लिए ओपन सर्किट। ये किसी को कंफ्यूजन है इस एनालिसिस में तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। कोई कंफ्यूजन? चले आगे, चैट बॉक्स में बताते जाना है ना, मेरे पास वैसे चैट बॉक्स भी देखने को यहाँ ऑप्शन नहीं है। चलो ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला है फिल्टर कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर फिल्टर में हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोगों को आउटपुट मिलेगा। कोशिश करना कि अनम्यूट करके बताओ, क्योंकि यहाँ चैट बॉक्स विजिबल नहीं है ना डायरेक्टली, मुझे पता नहीं लगेगा। सी फिल्टर, ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सी फिल्टर कैपेसिटर फिल्टर। तो सबसे पहला स्टेज कैपेसिटर फिल्टर के अगर इनपुट की बात करें तो इनपुट स्टेज क्या होगा बताओ मुझे, कैपेसिटर फिल्टर का इनपुट स्टेज। जिन लोगों ने मिस किया है, इससे पहले मैंने थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया है पावर सप्लाई का, जल्दी से मैं फिर से बता रहा हूँ, है ना, एक बार ध्यान से देखो जरा, जितने लोगों ने मिस किया है अभी क्लास जो है स्टार्टिंग का पोर्शन। ये हमको जो रिक्वायरमेंट है, हम चाहते हैं एसी इनपुट से, जैसे एसी इनपुट और इससे हम डीसी आउटपुट बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो एसी से डीसी का जो क्या कहते हैं जर्नी है, वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं, वो मैंने ब्लॉक डायग्राम में तुम लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले एसी इनपुट होगा जो घर पे आता है, फिर हम उसको ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन करेंगे, रेक्टिफायर से पास करेंगे, रेक्टिफाइड आउटपुट मिलेगा, बट स्टिल ये आउटपुट जो है डीसी जैसा नहीं है। तो वी विल यूज टू मोर कॉम्पोनेंट या टू मोर स्टेज, फिल्टर नेटवर्क और रेगुलेटर। इन दोनों से पास करने के बाद आउटपुट जो वोल्टेज होगा वो रेगुलेटेड हो जाता है, ठीक है। तो ये रेगुलेटेड आउटपुट हम लोगों को बनाना है। इसी से मोबाइल आप लोग चार्ज करते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैंने दिया था कि मोबाइल चार्जर अगर आपको बनाना है इनपुट से तो आप कैसे बनाओगे। तो वी विल नीड दीज स्टेज या दीज कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। तो हमने रेक्टिफायर तक देखा हुआ है, अब हम अगला स्टेज फिल्टर नेटवर्क में आ चुके हैं। और फिल्टर में जो अभी मैंने बताया, तो मुझे ये बताओ कि ये जो कैपेसिटर फिल्टर है, कैपेसिटर फिल्टर का इनपुट स्टेज क्या होगा, कैपेसिटर के फिल्टर के इनपुट में क्या होगा सर? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर होगा, हाँ, रेक्टिफायर का आउटपुट, ठीक है। तो मैं यहाँ पहले रेक्टिफायर बना रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। सेकेंडरी मैंने रेक्टिफायर का बना लिया सब कुछ, ठीक है। ये अब मैं यहाँ पे जो रेक्टिफायर का आउटपुट है, ठीक है, ये है तुम्हारा रेक्टिफायर। हाफ वेव के साथ हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, फुल वेव के साथ भी कर सकते हैं, हाफ वेव के साथ मैंने स्टार्ट किया। मैं यहाँ पे कैपेसिटर फिल्टर लगाऊंगा, तो कैपेसिटर फिल्टर मैंने यहाँ लगा दिया संट वाली आर्म में, ठीक है। ये सी, यहाँ प्राइमरी, ये इनपुट वोल्टेज नेचर साइनसोइडल, ठीक है, ये वेवफॉर्म है। अब हम यहाँ पे आउटपुट कैलकुलेट करेंगे इसके अक्रॉस। तो पहले वाला नेचर आप लोगों को पता है, पहले वाला मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर। अब मैंने सिर्फ क्या चेंज किया है, मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया है, ठीक है। पैरेलल में आगे भी लगा सकते हो, पहले भी लगा सकते हो, जनरली इस टाइप का सर्किट बनाते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आर और सी की पोजिशन चेंज करने से कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना, मैं बताऊंगा आगे भी। मतलब अगर सीरीज में दो कंपोनेंट लगे हैं तो आप पहले लगाओ या बाद लगाओ, उससे सर्किट का परफॉर्मेंस चेंज नहीं होता। ऐसे सेंटर में भी आगे या पीछे उनके बीच में, ओके, डिस्कनेक्ट हो गया था, है ना, इंटरनेट बंद हो चुका था एक्चुअली। कितनी देर मतलब किस टाइम पे हुआ है एग्जैक्टली, काफी देर से डिसकनेक्टेड था क्या, बताना मुझे। नो सर, सर जब आप कैपेसिटर समझा रहे थे कि वो सीरीज और पैरेलल वाला की सेम होता है, आगे पीछे लगा दे तो शंट में जब आपने कैपेसिटर लगाया, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ये आ गया। तो इसके पोजीशन से कोई भी इंटरचेंज करने से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो कैपेसिटर मैंने पहले इंसर्ट किया है, तो हमने ये देखा हुआ था कि सेकेंडरी जो है ट्रांसफार्मर की, उसमें एग्जैक्टली सेम साइनसोइडल इनपुट होता है, बट एक ही चेंज है। चेंज क्या है कि अब स्टेप डाउन है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड, सेम रेक्टिफायर का एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये डायोड हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो मैं सेकेंडरी का सर्किट बनाता हूँ, पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड शॉर्ट, और उस समय करंट फ्लो होगी सर्किट में, ठीक है, इस तरीके से। तो देखते हैं,
पॉजिटिव हाफ साइकिल की अगर हम बात करें तो ये डायोड डायोड शॉर्ट हो चुका है, ठीक है, पॉजिटिव हाफ के लिए, और मैं सेकेंडरी में इसका सर्किट बना रहा हूँ, ठीक है, ये होगा बेसिकली सर्किट। अब मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, यहाँ पे ये क्योंकि एसी इनपुट है, यहाँ भी सिग्नल का नेचर एसी है, एसी लिंक हो रहा है, तो कैपेसिटर इस समय कितना इम्पीडेंस ऑफर करेगा एसी के लिए? कैपेसिटर कितना इम्पीडेंस ऑफर करता है या रिएक्टेंस? जीरो जीरो करेगा, ठीक है, या उसको बोले लो वैल्यू होगी, जीरो अगर फ्रिक्वेंसी इन्फेनाइट है, मतलब बहुत हाई है, इवन लो फ्रिक्वेंसी अगर होगी तो भी मतलब हाई इतनी हाई नहीं है, स्टिल कैपेसिटर लो रिएक्टेंस या लो एडमिटेंस ऑफर करेगा। तो हमारे पास दो पाथ है, एक कैपेसिटर का पाथ है और एक रेसिस्टेंस का पाथ है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, क्योंकि रेसिस्टेंस यहाँ पे हम हाई एक ध्यान रखना, ठीक है, मैं आगे इसको कंडीशन के साथ बताऊंगा, जब लोड हाई होता है, आरएल हाई होता है, तब हम यूज करते हैं कैपेसिटर फिल्टर, पहली कंडीशन, ठीक है, ये इसलिए भी जरूरी है कैपेसिटर चार्जिंग के लिए। तो यहाँ दो पाथ है आपके पास, एक कैपेसिटेंस वाला पाथ है करेंट के लिए, क्यों, करेंट लो होगा जो सेकेंडरी में लिंक हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इनपुट जो लिंक हुआ है साइनसोडियल, तो ये करंट फ्लो होगा। अब करंट के पास दो पाथ है, एक कैपेसिटेंस वाला पाथ है और एक रेसिस्टेंस। करंट किस पाथ से फ्लो करेगी ये डिपेंड करता है दोनों पाथ के इम्पीडेंस पे। तो क्योंकि रेसिस्टेंस हाई है, हाई लोड के लिए कैपेसिटर फिल्टर यूज करते हैं, कंडीशन क्यों आती है ये भी बताएंगे हम लास्ट में। तो आरएल हाई है पहली चीज, और कैपेसिटर उस समय कितना इम्पीडेंस ऑफर कर रहा है, लो इम्पीडेंस, ठीक है, क्यों, क्योंकि एसी सिग्नल के लिए, एसी सिग्नल के लिए कैपेसिटर का बिहेवियर है वो लो इम्पीडेंस ऑफर करेगा। तो लो इम्पीडेंस ऑफर करेगा तो यहाँ पे कैपेसिटर से पूरी की पूरी करंट फ्लो होगी, और उस समय मतलब इस क्लोज लूप से फर्स्ट वाले से, और उस समय कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज हो जाएगा, चार्ज होगा, ठीक है, चार्जिंग, कैपेसिटर की चार्जिंग होगी जब इस टाइप का सर्किट आपका बन रहा है, ठीक है। तो अब मैं वेवफॉर्म में आप लोगों को सेम चीज बताता हूँ, या एक और एनालिसिस ध्यान से समझो। अगर हम कैपेसिटर की बात करें, अब मुझे ये बताओ, हम लोगों ने जब हाफ वेव रेक्टिफायर देखा था, तो हाफ वेव रेक्टिफायर का हमको आउटपुट पता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट में यहाँ जो डायोड के आगे जो स्टेज होती है, यहाँ एसी प्लस डीसी टाइप का सिग्नल होता है। एसी प्लस डीसी का मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा जो भी सिग्नल मिल रहा है, ठीक है, उस सिग्नल में कुछ एसी कंपोनेंट भी सुपर इम्पोज है, एक्जेक्टली डीसी आउटपुट नहीं है हाफ वेव रेक्टिफायर का। तो ऐसे भी इसको एनालाइज कर सकते हो कि एसी प्लस डीसी डायोड के आगे मिलने वाला है, क्योंकि डायोड की दो साइकिल में से एक ही साइकिल में आउटपुट पास होगा, तो डीसी तो होगा, बट वो डीसी कैसा होगा जिसमें थोड़ा एसी का पार्ट है। तो ये कैपेसिटर में अगर एसी और डीसी इनपुट दोनों आते हैं तो कैपेसिटर किसको अलाउ करेगा, एसी और डीसी में से? सर एसी को, एसी के पीक, यहाँ से के पीक, हाँ, यहाँ से एसी आएगा और डीसी कहाँ चला जाएगा, आगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप कैपेसिटर पैरेलल में लगाते हो तो जो एसी है वो बाईपास हो जाएगा, मतलब यहाँ से किसी लूप में फ्लो होगा, आगे लोड के साइड वो जाने ही नहीं वाला। जो बचा हुआ पोर्शन है डीसी का, क्योंकि डीसी पास नहीं हो सकता, इसलिए नेट सर मोबाइल से कनेक्ट किया, बंद हो गया, मोबाइल से भी क्या नहीं उससे, वो तो फ्लक्चुएशन होगा, अभी वो वरुण आया नहीं है ना, तो ये चीज समझो कि कैप जो डायोड का आउटपुट है वहां एसी डीसी दोनों है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, कि एसी क्योंकि कैपेसिटर एसी अलाउ करता है, तो बेसिकली एसी ग्राउंड यहाँ इसी लूप में फ्लो होगा, तो एसी बाईपास होगा, इसको हम बाईपासिंग बोलते हैं, और डीसी लोड के साइड चला जाएगा, ठीक है। किसी भी कंडीशन में आप बनाओ, कैपेसिटर को आगे भी लगा दोगे तो कैपेसिटर के पास से ही एसी जाएगा, रेसिस्टेंस से सिर्फ डीसी फ्लो होगा, ठीक है। अब इसको हम एनालाइज करेंगे वेवफॉर्म के फॉर्म में, ये ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है। ये तो जनरल एक्सप्लेनेशन है जो हमने इम्पीडेंस के फॉर्म में समझा है कि कैपेसिटर जो है इनफाइनाइट ऑफर करेगा डीसी को और जीरो ऑफर करेगा एसी को या स्मॉल। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, हमको ये पता है कि एसी इनपुट का
हाफ वेव रेक्टिफाइड वर्जन लिंक होगा डायोड के आगे, मतलब डायोड की पॉजिटिव हाफ साइकिल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये डायोड का आउटपुट है, तो इस समय पॉजिटिव हाफ साइकिल ये पूरा का पूरा कैपेसिटर से पास होगा, तो कैपेसिटर की बेसिकली चार्जिंग होगी, कैपेसिटर इस समय चार्ज होगा, चार्ज कैसे होगा, चार्ज इस तरीके से होगा, ठीक है, ये इस पॉइंट तक कैपेसिटर की चार्जिंग होगी, ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम क्लियर नहीं, मैक्सिमम पीक तक, ठीक है, इस पॉइंट तक कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, क्यों, इसके आगे अब और चार्जिंग पॉसिबल नहीं है, तो मैक्सिमम इस पॉइंट तक कैपेसिटर चार्ज होकर अपना वोल्टेज रिटेन करेगा, अगली साइकिल हाफ, क्योंकि डायोड की पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऐसा आउटपुट मिलेगा और नेक्स्ट साइकिल फिर से पॉजिटिव हाफ की ही यहाँ पे मिलेगी, डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल में शॉर्ट सर्किट और नेगेटिव हाफ साइकिल में होगा ओपन, तो मैंने ये डायोड के आगे के दो साइकिल्स पहले से बना लिया है, ठीक है, इसको समझ थोड़ा ध्यान से, कि पॉजिटिव हाफ साइकिल जब होगी उस समय क्योंकि डायोड शॉर्ट है आउटपुट मिलेगा उसी समय कैपेसिटर की चार्जिंग होगी इस पीक तक, यहां तक वो चार्ज होगा, बट इसके आगे चार्जिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो इनपुट की ये साइकिल की अगर मैं बात करूं, ये है इनपुट की अगर साइकिल 0 T/2 T, तो ये इंस्टेंट, ये जो इंस्टेंट है यहाँ आपका यहाँ तक इस पॉइंट तक कैपेसिटर चार्ज होगा, इसको मैं कंसीडर करता हूँ सम T1 इंस्टेंट, जब तक सिग्नल पीक पे पहुंचेगा तब तक कैपेसिटर की चार्जिंग होगी, ये पॉइंट सभी लोगों को क्लियर है, इसी को मैंने यहाँ पे बनाया है कैपेसिटर चार्जिंग के फॉर्म में, क्लियर है, बताओ जरा अनम्यूट करके बताना मुझे, यस सर क्लियर, यस सर, अब अगली साइकिल इस पॉइंट के बाद देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल के T1 में, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं T0 से T1 तक कैपेसिटर चार्ज होगा, ठीक है, ये पीक तक चार्ज हो गया, अब T1 पे यहां पे वोल्टेज आ चुका है, ठीक है, तो अगर मैं सर्किट की बात करूं इस सर्किट की, तो यहां पे वोल्टेज आ चुका होगा, अब साइनोसोडियल इनपुट तो आपका इस पॉइंट के बाद से, ठीक है, इस पॉइंट के बाद से साइनोसोडियल इनपुट डिक्रीज करेगा, मतलब डायोड के पास यहाँ जो इनपुट वोल्टेज है वो अब डिक्रीज कर रहा है और कैपेसिटर चार्ज हो चुका है पीक तक, तो डायोड की स्टेट सेम अभी जैसा हमने क्लैंपर में पढ़ा हुआ था, डायोड की स्टेट अब क्या हो जाएगी, यहाँ Vmax तक का वोल्टेज होगा, अब डायोड की रिवर्स बायस हो जाएगी, ठीक है, डायोड रिवर्स हो जाएगा, तो नया सर्किट अगर मैं बनाऊं, ठीक है, मैं बोलूं T1 से लेके, ठीक है, या अभी इसको लिखते हैं T greater than T1, कब तक होगा अभी हम आगे देखते हैं कब तक, ठीक है, T greater than T1 पे डायोड रिवर्स बायस, ठीक है, तो नया सर्किट जो होगा वो डायोड रिवर्स बायस, तो ओपन सर्किट जैसे, इसलिए हम इसको बोलते हैं ओपन सर्किट, ये डायोड ओपन सर्किट हो चुका है और कैपेसिटर और यहाँ हमारे पास तो अब समझो कि जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल की पीक आ चुकी है तो डायोड उसके बाद डायोड ओपन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इनपुट अब डिक्रीज हो रहा है, यहाँ जो इनपुट है वो अब डिक्रीज हो रहा है बट कैपेसिटर ने अपना वोल्टेज रिटेन किया है हाई वोल्टेज, ठीक है, अब कैपेसिटर को अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ डिस्चार्ज होने की, यहां से अब वो रेसिस्टेंस से डिस्चार्ज होगा, ठीक है, इस केस में T greater than T1 पे, और डिस्चार्ज कैसा होगा कि यहाँ जिस तरीके से करंट फ्लो होगी रेसिस्टेंस पे उतना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा इस आर के अक्रॉस, ठीक है, तो मैं कंसीडर करता हूं कि जो टाइम कांस्टेंट है सर्किट का, मतलब RL × C, ठीक है, दिस इज टाइम कांस्टेंट सर्किट का, ये टाइम कांस्टेंट है, ये हाई है, ठीक है, ये वेरी हाई है, दिस इज वेरी हाई, RLC इज वेरी हाई, कम से कम कितना है RLC का प्रोडक्ट, ये टाइम पीरियड जो तुम्हारी वेवफॉर्म की है उससे ज्यादा है, टाइम पीरियड मतलब अब यहाँ पे देखो जरा 0
टी बाई टू और ये टी, मतलब इस इंस्टेंट पे अगर कैपेसिटर को मैं बोलता हूं चार्ज हो चुका है टी वन पे, अब इसके बाद ये डिस्चार्ज होगा, और डिस्चार्ज कैसे होगा कि डिस्चार्जिंग का जो टाइम कांस्टेंट है वो हाई है, मतलब सो डिस्चार्ज होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और ये हाई कब हो सकता है जब लोड रेसिस्टेंस हाई है। तो जो इनिशियल कंडीशन थी वो हमको समझना जरूरी है कि हम कैपेसिटर फिल्टर को सिर्फ हाई लोड रेसिस्टेंस के साथ ही कनेक्ट करते हैं, जहां हाई लोड रेसिस्टेंस होगा, ठीक है, उस केसेस में हम कैपेसिटर फिल्टर यूज करते हैं। ये पॉइंट बताओ मुझे जरा ऑब्जर्वेशन में कि जैसे ही डायोड ओपन सर्किट होता है कैपेसिटर को डिस्चार्जिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये कितने लोगों को क्लियर है? अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, अब कैसे होगा मैं वेवफॉर्म में आगे बताता हूँ तुम लोगों को, क्लियर है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, अब क्योंकि हमारा टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो जीरो से टी ये टाइम पीरियड है, और कैपेसिटर यहां से डिस्चार्ज होना स्टार्ट किया, तो एग्जैक्टली इसका वोल्टेज जो है डिस्चार्ज होगा तो बट बहुत कम, ये इस लेवल तक डिस्चार्ज होगा, ठीक है। अगर अगर ऐसा केस होता कि डिस्चार्जिंग टाइम पीरियड कम है, इसका मतलब ये टी के पहले ही अपना पूरा वोल्टेज लेवल इस लेवल तक लाने का मतलब कि अभी भी ये मैक्सिमम से इतने ही लेवल डाउन हुआ है, इसके नीचे लेके आऊंगा तो मैं बोलूंगा और ज्यादा डिस्चार्ज हो चुका है, और ज्यादा टी पे ही जीरो हो गया, या और पहले भी जीरो हो जाए, क्योंकि मैंने कंडीशन लिखी है आर एल सी इज ग्रेटर देन टी या मच मच ग्रेटर देन टी, इसका मतलब इसको डिस्चार्ज होने के लिए टाइम पीरियड से ज्यादा टाइम चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन फिर उतना वोल्टेज भी तो ज्यादा लेगा आई आर के रिलेशन से, क्या लेगा सर आई आर एल भी तो सर उसकी वैल्यू भी तो बड़ी होगी फिर, मतलब देखो एक मिनट बता ही देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये कंफ्यूजन में जब भी बोलता हूँ तो वैसे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब यहाँ पे मैं एक नए पेज में तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ आरसी सर्किट, ठीक है, ये अलग पेज में, वैसे आज की क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, अगली क्लास में मैं तुम लोगों को पूरा ये फिल्टर बताऊंगा। आरसी सर्किट तुम लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे समझो नेटवर्क एनालिसिस में हम लोग आरसी सर्किट पढ़ते हैं, ये किसी सर्किट को मैंने बना दिया सपोज कैपेसिटर और ये रेसिस्टर, आर सी वी, ठीक है, ये डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, नेगेटिव हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल से लेके अगली नेगेटिव तक, ये अगर इनपुट की साइकिल है इसकी अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो एक साइकिल का एनालिसिस कर रहा हूं मैं, यहां पे कैपेसिटर चार्ज होगा वी मैक्स तक, और वी मैक्स के बाद टी वन से लेके, ठीक है, तो डायोड की स्टेट, डायोड शॉर्ट सर्किट होगा कब, जीरो से लेके टी वन पे, और डायोड हो जाएगा ओपन सर्किट कहाँ पे, टी वन से लेके टी तक, अगर ये टी है तो, ठीक है, कम से कम टी तक तो होगा, आगे भी होगा, ठीक है, ये स्टेट, ये दो लाइन क्लियर है सभी लोगों को, ठीक है, इस सर्किट में क्योंकि ये हाफ वेव रेक्टिफाई टाइप का है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होगा टी वन पे मैक्सिमम, उसके बाद डायोड ओपन सर्किट, क्योंकि अगले पूरे टाइम पे नेगेटिव है वोल्टेज, मतलब इस साइड डायोड के पी साइड पे वोल्टेज कम होगा एज कम्पेयर टू एन, इसीलिए डायोड हमेशा रिवर्स बायस है, ठीक है, तो डायोड की चार्जिंग होगी टी वन तक और फिर डिस्चार्जिंग। तो मैं तुम लोगों को डिस्चार्जिंग वाली साइकिल का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, जो तुम लोगों को डाउट होता है कि सर कैपेसिटर पर वोल्टेज कैसे हम लोग बना रहे हैं, ये कैसे बना रहे हैं समझो, डायोड की डिस्चार्जिंग होगी तो नया सर्किट जो है वो कुछ इस तरह बनेगा, यहाँ पे ओपन सर्किट आ चुका है, ठीक है, और ये है आपका पाथ, ये कैपेसिटर है, ये रेसिस्टेंस है, ये प्राइमरी है, तो इस पार्ट को बनाने की जरूरत नहीं है, इसको इक्विवेलेंट क्या बना सकते हैं हम, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा ये आर ये सी, और कैपेसिटर अब क्या है, चार्ज है, क्लियर है, चार्ज है ना ये कैपेसिटर, ये वोल्टेज हम दे रहे हैं लोड के, ठीक है, नाउ कैपेसिटर इज चार्ज्ड, तो हम चार्ज कैपेसिटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं समझो, चार्ज कैपेसिटर को हम ऐसे बैटरी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और पोलैरिटी मैंने कैसे डिसाइड की होगी, करंट की डायरेक्शन से चार्जिंग कैसे हो रही है, तो कैपेसिटर चार्ज कैसे हो रहा है, यूं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है, ऐसे ही बैटरी लगा दी,
कितना चार्ज है कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वी सी, ठीक है, ये सी, ये आर। अब आते हैं नीचे, तो इस सर्किट का मुझे एनालिसिस करना है, तो या तो मैं टाइम डोमेन एनालिसिस कर लूं या मैं लाप्लास लगा लूं डायरेक्टली, ठीक है। तो नेटवर्क एनालिसिस में लाप्लास लगाने से आसानी से आंसर आते हैं, ठीक है। लाप्लास तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो लाप्लास के फॉर्म में जो है जल्दी से, या फिर ये होता लाप्लास पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ठीक। इस सर्किट लाप्लास सर्किट अभी क्लियर है वॉइस कनेक्टिविटी? यस सर, ठीक है, कनेक्टिविटी ब्रेक हो गई थी ना, शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, ठीक है। देखो तो मैं लाप्लास की बात कर रहा हूँ कि मैं लाप्लास से इस सर्किट को सॉल्व करूंगा, ताकि क्योंकि लाप्लास भी तुम लोगों को थोड़ा क्लियर होगा नेटवर्क में लाप्लास कैसे लगाते हैं। टाइम डोमेन से भी कर सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, जैसे आप लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की है ना, वहां से भी कर सकते हैं सीएफपीआई निकाल के, पर मैं इसको लाप्लास से सॉल्व कर रहा हूँ। तो वोल्टेज सोर्स का लाप्लास होता है वी सी डिवाइड बाई एस, वन अपॉन एस, ठीक है, कॉन्स्टेंट का जो हम लिखते हैं, सी को लिखते हैं वन अपॉन सी एस, और आर का लाप्लास आर ही होता है, मतलब एस नहीं होता यहाँ, ठीक है। इंडक्टर का लाप्लास एल एस, कैपेसिटर का लाप्लास वन अपॉन सी एस, रेसिस्टेंस का आर ही होगा, वोल्टेज सोर्स का वी बाई एस, और करंट सोर्स का आई बाई एस, ठीक है। यहाँ पे आप सीधे सीधे लीनियरली आप, क्योंकि कैपेसिटर के साथ आपको या फिर जो है टाइम डोमेन एनालिसिस करना होगा, ठीक है, जो रिलेशनशिप है ओम्स लॉ का, आई सी वी बाई डी टी, सी डी वी बाई डी टी, या वन बाई सी इंटीग्रेशन आई डी टी, तो हम उसको ना करके लीनियर एनालिसिस के लिए लाप्लास लगाते हैं। अब यहाँ केवीएल लगा सकते हो डायरेक्टली, लगाओ केवीएल, क्या होगा, वी सी अपॉन एस इक्वल टू करेंट आई कंसिडर करता हूँ मैं, ठीक है, और ये आई लाप्लास डोमेन में से आई एस लिखेंगे, ये हो जाएगा आर प्लस वन अपॉन सी एस टाइम्स आई ऑफ एस। तो यहाँ से करंट आई ऑफ एस क्या होगी, यहाँ से करंट आई एस होगी वी सी इंटू सी अपॉन आर सी एस प्लस वन। कैसे किया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एस से एस कैंसिल, सी यहाँ मल्टीप्लाई हुआ और ये पूरा डिनोमिनेटर में आ गया, क्लियर है, ठीक है। अब हमको आउटपुट वोल्टेज वी नॉट देखना है, वी नॉट की वैल्यू, तो वी नॉट की वैल्यू क्या होगी, आउटपुट वोल्टेज वी नॉट रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसकी वैल्यू होगी आर टाइम्स आई इंटू एस। तो इसको लिख सकते हैं वी सी इंटू आर भी मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आर सी अपॉन आर सी एस प्लस वन। तो वी नॉट की वैल्यू होगी वी सी अपॉन एस प्लस वन अपॉन आर सी, ठीक है। तो वी वी नॉट को लिख सकते हैं, अब इनवर्स लाप्लास लोगे तो वैल्यू हो जाएगी वी सी इंटू ई पावर माइनस टी बाय आर सी, ठीक है। दिस इज आउटपुट वोल्टेज या वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस
इन एनी आरसी सर्किट, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस आर इन आरसी सर्किट, ठीक है। तो अगर किसी आरसी सर्किट में जहां पे कैपेसिटर चार्ज होगा, एनालिसिस को ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, कई जगह यूज हुआ और आगे भी होगा, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट में यूज होगा, पर तुम लोगों को नहीं आता इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आउटपुट वोल्टेज किसी भी आरसी सर्किट का अगर आप देखोगे तो वो हमेशा ये निकलेगा, या रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ये निकलेगा, जहां वीसी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है, ठीक है, या इनिशियल वोल्टेज भी बोलते हैं इसको कभी कभी, इनिशियल वोल्टेज, इनिशियल वोल्टेज मतलब कैपेसिटर पे पहले से जो चार्ज होगा वीसी, और ये टाइम कॉन्स्टेंट, या ये इस तरह, ये सेकेंड फैक्टर। तो मुझे ये बताओ टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे वी नॉट की वैल्यू कितनी होगी? हाँ वरुण, हेलो, हाँ वरुण, ऑर्डर हाँ बन जाएगा, अभी मैं लेक्चर ले रहा हूँ ना, हाँ बोलो, अब ऊपर आ जाओ तुम मेरे, है ना, 5 मिनट में ऊपर आ जाओ, ठीक है, ठीक, हाँ ये बताओ मुझे जल्दी से कि टी जीरो, हाँ वीसी होगा, ठीक है, हाँ ये होगा वीसी, और टी इनफिनाइट पे वी जीरो कितना होगा? सर इनफिनाइट, इनफिनाइट e पावर माइनस इनफिनाइट, सर जीरो होगा, सॉरी सर जीरो होगा, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन ध्यान से समझो जरा, ये ऑब्जर्वेशन जो मैंने लिखा है उसको थोड़ा सा बॉक्स करते हैं कि किसी भी आरसी सर्किट में इनिशियली इनिशियली रेसिस्टर के अक्रॉस पूरा वोल्टेज होता है, ठीक है, क्यों? कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं है, दोनों पैरेलल में है, तो जितना कैपेसिटर का वोल्टेज होगा लोड पे उतना ही दिखाई देगा। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा स्टडी स्टेट आने पर, बोलते हैं स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट मतलब काफी टाइम के बाद, इनफिनाइट मतलब कि काफी टाइम के बाद, ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज कितना हो जाता है? जीरो, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को जो ये फैक्टर बोलता हूँ आरसी, इसको हम बोलते हैं टाइम कॉन्स्टेंट, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं वी नॉट इक्वल टू वी सी इंटू ई पावर माइनस टी बाय टाऊ, ठीक है, अब समझो टी बाय टाऊ। तो अगर टाइम की वैल्यू 5 टाइम टाइम कांस्टेंट के बराबर है एट टी इक्वल टू 5 टाऊ, एट टी इक्वल टू 5 टाऊ वी नॉट की वैल्यू कितनी होगी, कोई बता सकता है मुझे? कितना होगा सर? वीसी अपॉन ई पावर 5, वीसी अपॉन ई पावर 5। अब ई पावर 5 जल्दी से कैलकुलेटर में वैल्यू बताओ मुझे, जल्दी से बताओ जरा, टाइम खत्म होने वाला है, क्योंकि किसी के पास भी नहीं कैलकुलेटर, नहीं बता देता हूँ, किसी ने देखा अल्फा ई पावर 5 कैलकुलेटर रखा करो, 148 होती है ई पावर 5, तो 1/148 कितना हो जाएगा? किसी ने देखा? 6.737 तो बेसिकली वीसी की अगर मैं बात करूं तो वीसी इक्वल टू 0.00 एक और जीरो आएगा, एक ही आएगा ना, ये 0.00675 टाइम्स वीसी, सॉरी ये वी नॉट, ये वी नॉट, ठीक है, दिस कब? जब टाइम की वैल्यू 5 टाइम कांस्टेंट के बराबर है। तो हम ये बोलते हैं कि अगर किसी भी सर्किट का कोई भी टाइम कांस्टेंट, इन जनरल कोई भी टाइम कांस्टेंट हो, तो 5 टाइम कांस्टेंट के बाद, ठीक है, टी इक्वल टू 5 टाउ पे, विजिबल है क्या तुम लोगों को? नहीं है सर विजिबल है, लेकिन वो नहीं, आप
क्या बोलते हैं, पूरा सो नहीं हो रहा सर अभी, एक मिनट हैंग हो गया भाई, एक मिनट ना सिस्टम ही आएगा। चलो तुम लोग की मैथ्स की क्लास है ना, इसके आगे का एनालिसिस मैं अगली वाली क्लास में बताऊंगा, आज ही सर्किट मुझे बताना ही पड़ेगा, कुल मिला के बात ये है। तो मैथ की 5 बजे से है। अच्छा चेंज हो गया क्या? यस सर। अभी कोई क्लास नहीं है ना? नो सर। ठीक है ठीक है, एक मिनट रुको, सिस्टम मेरा जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ठीक है मैं भी डिस्कनेक्ट करना हूँ। अभी स्क्रीन क्लियर है क्या, दिख रही है अभी स्क्रीन? यस सर। ठीक है ठीक है, ये एनालिसिस बाकी लोग भी ध्यान से देखो और मुझे बताओ अभी, क्योंकि सेकंड लेक्चर नहीं है तो मैं फिर से जो है बता दूंगा तुम लोगों को स्टार्टिंग से। आरसी सर्किट, आरसी सर्किट किसी से नहीं आता, और ये नेटवर्क का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सिर्फ नेटवर्क का नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी आपको यूज होगा, कभी कभी ओपन में भी यूज होगा, मतलब कंट्रोल में भी यूज होगा, आरसी सर्किट बहुत सारी जगह यूज होगा। ठीक है, तो अगर समझ में नहीं आएगा तो मुझे बताना, मैंने क्या एनालिसिस बताया है वो देखो एक बार फिर से जरा। ये हमने एक आरसी सर्किट कंसीडर किया, एक मिनट, हमने एक आरसी सर्किट कंसीडर किया, आरसी सर्किट में मैंने कैपेसिटर की चार्जिंग बताई, कैपेसिटर का इक्विवेलेंट आरसी सर्किट का डिस्चार्जिंग के टाइम पे इक्विवेलेंट सर्किट बनाया, यहाँ केवीएल अप्लाई किया लाप्लास लगाने के बाद, क्योंकि लाप्लास तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है तो लाप्लास बस इतना ध्यान रखो कि कैपेसिटर के लिए लाप्लास 1/CS होता है, वोल्टेज के लिए V अपॉन S और रेसिस्टेंस के लिए R, यहाँ पर सिंपल KVL लगा दो आप, ठीक है लीनियर हो जाएगा, लीनियर जो है हो चुका है, तो हमने KVL अप्लाई कर दिया। अदरवाइज क्या करना होता, अदरवाइज तुम लोगों को टाइम डोमेन एनालिसिस करना होता, तो टाइम डोमेन एनालिसिस में तुम लोगों को डिफिकल्टी क्या होती, टाइम डोमेन एनालिसिस में डिफिकल्टी ये होती कि जब KVL लगाते हैं तो VC इक्वल टू RI प्लस C का ड्रॉप क्या होता है, 1/C इंटीग्रेशन ऑफ C, 1/C इंटीग्रेशन ऑफ IDT, ठीक है ये करना होता, तो कुल मिला के फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करो, डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाओ, और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के बाद फिर हम लोग जो है उसको सॉल्व कर पाते, क्लियर है? एक मिनट अब इधर है नेक्स्ट पेज, ठीक है अब मैंने क्योंकि कैपेसिटर का वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया है, ये कैपेसिटर का फाइनल वोल्टेज जो है वी नॉट वी सी इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया है, तो मैं टी की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, टी के अलग अलग इंस्टेंट की, तो टी अगर स्टार्टिंग की बात करें टी इक्वल टू जीरो पे, तो टी इक्वल टू जीरो पे जो वोल्टेज होगा वी नॉट वो किसके बराबर होगा, VC के, और स्टडी स्टेट या इनफिनाइट पे वो जीरो हो जाएगा, तो एक्चुअली स्टडी स्टेट के पहले ही वोल्टेज बहुत कम हो चुका होता है, कितना कम हो चुका होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं, हमने T की वैल्यू 5 टाइम कांस्टेंट रखी और वो एनालिसिस किया, वो वैल्यू आती है 0.00675, तो इसको ग्राफिकली कैसे प्लॉट करते हैं वो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ये है कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, ठीक है VC, तो इस जो कैपेसिटर वोल्टेज होगा वो, तो ये जब T इक्वल टू 5 टाउ की अगर बात करूं तो यहां वोल्टेज फिर से डिस्कनेक्ट हो गया क्या? नो सर। तुम लोगों को बताओ ये मुझे। यस सर। हाँ ठीक है ठीक है, तो T इक्वल टू 5 टाउ पे जो ये वोल्टेज लेवल है ये कितना है, ये वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, अभी हमने कैलकुलेट जो किया है 0.006 टाइम्स VC,
ठीक है, मतलब मोर देन 99% डिस्चार्ज हो चुका है कैपेसिटर। हाँ, रेसिस्टेंस क्या होगा, सिर्फ इतना वीसी नहीं होगा, ये होगा वी आर, ठीक है, या आउटपुट वोल्टेज, ये पीक लेवल होगा वीसी, दिस इज पीक वोल्टेज वीसी, वीसी से स्टार्ट होके। तो किसी भी आरसी सर्किट में अगर आप कैपेसिटर को कनेक्ट करते हो तो हम बोलते हैं कि 5 टाइम कॉन्स्टेंट तक जो है कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो चुका होता है, 5 टाइम कॉन्स्टेंट तक। ये पॉइंट क्लियर है कि 5 टाइम कॉन्स्टेंट तक कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो चुका है। तो मैं टाउ की अगर बात करूं, टाउ होता है आर एल इंटू सी कैपेसिटर वाले सर्किट में, क्योंकि हमने यहीं से रिप्लेस किया था, यहाँ पे आर इंटू सी या आर एल इंटू सी, जो भी आप लिखना चाहो। तो अगर ग्राफ को एक्सटेंड करेंगे तो वो तो शो हो रहा है कि वीसी कभी पूरा डिसिपेट होगा ही नहीं, वीसी इनफिनाइट पे जाकर कंप्लीटली जीरो होगा, कैपेसिटर जो है इनफिनाइट पे कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। बट जो आप एनालिसिस करते हो, ठीक है, एग्जैक्ट जीरो या क्लोज टू जीरो, तो कैपेसिटर पे इतना चार्ज होगा, इतना कम चार्ज होगा कि वो कहीं भी यूटिलाइज नहीं कर सकते, समझ रहे हो, इतना इट को एक्साइट नहीं कर पाएगा। तो क्योंकि हमारा जो तो हम उसको जीरो ही कंसीडर कर लेंगे ना, क्यों हम डिस्क्रिप्ट तक की बात करेंगे। ओके, आप कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो अब किसी भी क्या कहते हैं कंपोनेंट जो तुम्हारे सर्किट में होंगे उसको ड्राइव नहीं करेगा, क्लियर है। एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको ये बताया कि 5 टाइम कॉन्स्टेंट के बाद वो कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज स्टेट में आ चुका है, मतलब वो यूटिलाइज नहीं होगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब मैं तुमको टाइम कॉन्स्टेंट थोड़ा सा एक बार बताऊं, जो हमने डेरिवेशन निकाला था वो है वी नॉट इक्वल टू वी सी इंटू ई पावर माइनस टी बाय आर सी, यहाँ आर सी को मैंने लिख दिया था टी बाय टाउ, ठीक है। तो अब मैं बोलता हूँ, समझो, जब मैं बोलता हूँ टाउ हाई है और टाउ लो है तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, सो कैसे इंटरप्रेट करोगे। टाइम कॉन्स्टेंट हाई है सर्किट का तो डिस्चार्ज होने में ज्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा, बताओ। ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ, अब इसको मैथमेटिकली समझो, टाउ की दो केस हैं, पहला केस है सपोज टाउ वन, ठीक है, टाउ वन, और दूसरा वाला है टाउ टू, जहां टाउ टू ग्रेटर देन है टाउ वन। और फॉर टाउ वन जो सर्किट है उसको डिस्चार्ज होने में लगते हैं t इक्वल टू 10 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया रिलेशनशिप कि इस स्टेट में 10 डिवाइड बाय टाउ वन, इतनी देर में e पावर जो भी होगा वो इतना जो है स्मॉल होगा कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अब सेकेंड केस अगर तुम टाउ टू की बात करते हो, जहां टाउ टू टाउ वन से बड़ा है, तो t की वैल्यू आपको ज्यादा देनी होगी या कम देनी होगी, समझो इस मैथमेटिकल रिलेशनशिप से। पहला टाउ वन, ठीक है, t बाय टाउ सेम वैल्यू होनी चाहिए, क्यों, तब हम मानेंगे कि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो चुका है, e की पावर सेम होनी चाहिए। तो पहला केस टाउ वन और दूसरा केस टाउ टू, तो टाउ वन के लिए अगर 10 सेकेंड लगते हैं तो टाउ टू के लिए कितने लगेंगे, 10 से ज्यादा या कम, अगर टाउ टू बड़ा है टाउ वन से। तो बताओ, फिर से समझो, सपोज मैं इस रेशियो को e पावर 5 बनाना चाहता हूं, क्यों, e पावर माइनस 5 में ये वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगी, तो टाउ वन के लिए अगर हमको टाउ वन की वैल्यू सपोज 2 है, ठीक है, टाइम कांस्टेंट 2 है और t की वैल्यू 10 सेकेंड है, तो 10 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 5, ठीक है, तो e पावर माइनस 5 ऑलमोस्ट डिस्चार्ज स्टेट। फिर टाउ टू में मैं टाउ टू को मान लेता हूँ 4 है, डबल है टाउ वन का, ठीक है, तो उस केस में टी की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, सो दैट फिर से ई पावर माइनस 5 फॉर्म। इतने आसानी से जो है मतलब क्लियर एनालिसिस है, इस पर इतना डाउट क्यों है। दो केसेस बताओ, टाउ वन की वैल्यू पहली बार में मैंने रखा हुआ है 2, टाउ टू को सपोज कर लिया 4, ठीक है, क्योंकि इनको e पावर 5 बनाना है, e पावर माइनस 5, तो पहली बार में t की वैल्यू होनी चाहिए थी 10, तो जब मैं tau 2 इक्वल टू 4 रखता हूँ तो t कितना देना होगा, कम से कम कितने सेकंड के बाद जो है डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर,
देखो बेटा यहाँ 5 टाइम कांस्टेंट पे डिस्चार्ज हो रहा है ना, तो दोनों के लिए सेम फ्रैक्शन फॉर्म होना चाहिए पर माइनस 5। तुम लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? किसी का आंसर नहीं आ रहा चैट बॉक्स सर। 20 सेकंड्स 20। हाँ बाकी लोग क्या कहते हैं, बाकी लोगों को क्लियर नहीं है क्या? टी इक्वल टू 20 पे होगा। सपोज मैं अगर टाउ 1 को बोल दूं 2 है और टाउ 2 को बोल दूं 4 है, तो टी इक्वल टू 20 हो जाएगा। क्यों? ई पावर माइनस 10 डिवाइड बाय पहला केस 2 होगा इसके लिए, और इसके लिए e पावर माइनस 20 डिवाइड बाय 4, तो दोनों मिलकर हो जाएंगे e पावर, यहाँ e पावर माइनस 5। तो आप लगभग कितने वोल्टेज पे आ चुके हो? सेम RC सर्किट है ना, हमने क्या किया है, एक में टाइम कांस्टेंट बढ़ा दिया है, मतलब सेम कैपेसिटर सेम वोल्टेज है, तो अगर आपने रेसिस्टेंस चेंज किया है तो उसको ड्रॉप होने में, उसको जो है डिस्चार्ज होने में ज्यादा टाइम लगता है। ये ज्यादा टाइम, एक को 10 सेकंड लगा, एक को 20 सेकंड, डबल लग गया अगर टाइम कांस्टेंट डबल हो रहे हैं। तो मैं इन जनरल एनालिसिस ये करता हूँ कि जब सर्किट में टाइम कांस्टेंट बढ़ाते हो तो लेट डिस्चार्ज होगा वो, ठीक है, और यहाँ फास्ट डिस्चार्जिंग होगी। क्लियर है? ये हायर टाइम कांस्टेंट सर्किट के साथ डिस्चार्जिंग रेट हाई होगा, लोअर के साथ डिस्चार्जिंग रेट लो होगा, या जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा वो। ये एनालिसिस क्लियर है सभी लोगों को? बताओ आरसी सर्किट का। वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे, ठीक है। अब यहाँ पे देख के बताओ, ये सब एनालिसिस क्या कहते हैं समझने के लिए था। अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे देख के मुझे बताओ कि अगर मैं बोलता हूँ आरसी हाई है तो इसको डिस्चार्ज होने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने वेव फॉर्म जो है का मैग्नीट्यूड कम डिक्रीज किया है, ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ है। अगर आरसी लो होता, सेम अगर आरसी आपका ये आरसी जो है ये अगर लो होता तो ये कैपेसिटर इस तरीके से जल्दी डिस्चार्ज हो सकता था। ये अलग अलग वेवफॉर्म पॉसिबल, ये क्लियर है ये एनालिसिस? अनम्यूट करके बताओ हाँ या नहीं, दो ही पॉसिबिलिटी होगी ना बेटा, नहीं बताओ तो बाकी लोग। अरे एक और बार बता दीजिए, पहले जो मैंने वहां बताया कि हाई टाइम कांस्टेंट में लेट डिस्चार्ज होगा और कम टाइम कांस्टेंट होगी तो जल्दी डिस्चार्ज होगा, ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, क्योंकि हमारा आरएलसी हाई है सर्किट में, इस सर्किट में मतलब कैपेसिटर चार्ज होगा और डिस्चार्जिंग में अगर तुम्हारा आरएलसी हाई है तो उसको डिस्चार्ज होने में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट पे देखो, ये टी वन इंस्टेंट पे ये चार्ज हो चुका है, अब इसकी धीरे धीरे डिस्चार्जिंग होगी, मतलब जो टोटल वोल्टेज है वो धीरे धीरे कम होगा। अब कितना कम होगा, मैं इस रेड लाइन को इसके ऊपर भी बना सकता हूँ, इस लाइन के लेवल के नीचे भी बना सकता हूँ। अगर मैं ऊपर बनाऊंगा तो इसका मतलब कि इस वी मैक्स के लेवल को ये रिटेन करेगा, ये वी मैक्स की लाइन है, ठीक है, ये पीक के पास। अगर ये पीक से नीचे पहुंच चुका है यहां तक, मतलब ये वी मैक्स से इतनी वैल्यू उसकी कम हो चुकी है, यही मतलब हुआ ना, और भी नीचे आ सकती है। तो ये कितने नीचे होगा ये डिस्चार्जिंग रेट पे डिपेंड करेगा। तो अगर हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग रेट हाई है, मतलब डिस्चार्जिंग जो है टाइम लग रहा है डिस्चार्ज होने में, तो कैपेसिटर का जो वी मैक्स का लेवल है वो थोड़ा सा डाउन होगा वी मैक्स से, इसलिए इस टाइप की लाइन बनाई है। और नीचे ये ब्लैक लाइन जहां है वहां पे भी बन सकती थी, इतने नीचे भी आ सकता था और नीचे जीरो भी हो सकता था, या पहले यहां कहीं जीरो हो जाए, ठीक है। तो ये जल्दी से जीरो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि टी वन से लेके ये जो इंस्टेंट है ये, ठीक है, अब समझो टी वन से इसको मान लेते हैं हम टी टू, टी वन से लेके जो टी टू इंस्टेंट है, ठीक है, यहां तक डिस्चार्ज हो रहा थोड़ा सा और आगे, ठीक है, टी वन से लेकर जो टी टू इंस्टेंट है इतनी देर में ये टाइम पीरियड से कम है वैल्यू, या ऑलमोस्ट टाइम पीरियड के बराबर है। क्यों? पीक से लेके अगला पीक ये टाइम पीरियड होगा, तो टी टू के थोड़ी देर ये ऑलमोस्ट टी के बराबर है, और हमने लिखा हुआ है कि टाइम जो डिस्चार्जिंग टाइम है, जैसे डिस्चार्जिंग टाइम, ठीक है, डिस्चार्ज मतलब ये टाइम कांस्टेंट है, डिस्चार्जिंग टाइम कितना होता है 5 टाउ कम से कम, तो
तो क्योंकि आर एल सी की वैल्यू ही आर इंटू सी की वैल्यू ही टाइम पीरियड से बड़ी है तो 5 टाउ तो बहुत बड़ा होगा। तो क्योंकि कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में जो अभी मैंने दिखाया तुमको कि कम से कम जीरो तक पहुंचने के लिए 5 टाइम कांस्टेंट की जरूरत होती है और टाइम कांस्टेंट इट्सेल्फ ग्रेटर देन टाइम पीरियड, तो ये टाइम पीरियड पे ज्यादा डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा, ये अपना लेवल रिटेन करेगा, ऑलमोस्ट वी मैक्स से थोड़ी सी वैल्यू ड्रॉप होगी, ये एनालिसिस है। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसको डिस्चार्जिंग कर लेते हैं, डिस्चार्जिंग टाइम जो प्रैक्टिकल वैल्यू है, और उसके बाद उसको अगली साइकिल मिल जाएगी पॉजिटिव की चार्जिंग साइकिल, तो ये फिर से चार्ज आने लगेगा, ये फिर से चार्ज हो जाएगा। ठीक है, फिर से चार्ज होगा और फिर से डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज कैसे होगा कि फिर से उसको नेक्स्ट पॉजिटिव साइकिल अगर मिलती है तो फिर से, तो आगे क्योंकि साइकिल सेम है, आगे हमारे पास एक और साइकिल है इस तरीके से, तो कैपेसिटर को फिर से चार्जिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, कैपेसिटर फिर से पीक तक चार्ज हो जाएगा, अगेन डिस्चार्ज। तो क्या होगा, कैपेसिटर की आउटपुट वेवफॉर्म की बात करूं तो वो किस टाइप की वेवफॉर्म होगी, वो वेवफॉर्म होगी, यहां बनाते हैं, वो वेवफॉर्म किस तरीके से होगी, कहां से आ गया ये, तुम लोगों के एंड से आ रहा है ना मार्कर जो भी तुम यूज कर रहे हैं। ठीक है, आउटपुट वेवफॉर्म जो है उसका, आउटपुट वेवफॉर्म की बात अगर मैं करूं तो वो होगी यू चार्ज, ठीक है, पीक तक और फिर डिस्चार्ज होगी, फिर से चार्ज, फिर डिस्चार्ज, फिर चार्ज, फिर डिस्चार्ज, ये कैपेसिटर का वो आउटपुट होगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं वी आउट, फिल्टर का आउटपुट वर्सेस टाइम, ये इस टाइप की वेवफॉर्म थी कि थोड़ा सा स्मूथ नहीं बनी हुई है साइनसोडियल का। ये कैसे बनाया मैंने, ये मैंने बनाया है जो तुम्हारा कैपेसिटर का वेवफॉर्म हमने अभी एनालाइज किया वहां से देख के। इसी पेज पर बनाया क्या, ये ठीक है, तो इस सेम वेवफॉर्म को मैंने एक कैपेसिटर का आउटपुट कंसीडर किया है। ठीक है, इसको हमने प्लॉट कर लिया अलग से, ये कैपेसिटर का आउटपुट होगा। ठीक है, तो तुमको हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट किस तरीके का मिल रहा था, इस टाइप का नेचर, अब वो कन्वर्ट होके ये आ गया है हाफ वेव आउटपुट, इसको हमने कैपेसिटर से जब पास किया तो वो कुछ इस तरीके का मिल रहा है, समझ आ रहा है, ये ऑब्जर्वेशन बताओ क्लियर है? यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। बाकी लोग मेजोरिटी? यस सर क्लियर। ठीक है, तो ये आपका जो है कैपेसिटर आउटपुट हमने प्लॉट कर लिया है, अब बात करते हैं इस आउटपुट की। ठीक है, इसमें बहुत सारे वो वाली एनालिसिस सर समझ में आ गई सर, एक डाउट था सर जो मेरा जनरल था। हाँ, बताओ। जैसे टाउ सर, टाउ इक्वल टू आरसी है। हाँ। सर, आर अगर बढ़ेगा, आरसी अगर बढ़ेगा तो टाउ भी बढ़ेगा। ठीक सर, है। वैसे ही सर पावर जो डिसिपेट होगा सर वी इक्वल टू आई आरसी होगा ना, तो सर उससे वी जो डिसिपेशन है सर वो भी तो बढ़ जाएगा। रेसिस्टेंस के अक्रॉस। यस सर। आईआर ड्रॉप ना। यस सर, आईआर ड्रॉप भी तो बढ़ जाएगा। अच्छा, एक बार बताओ, रेसिस्टेंस बढ़ा होगा तो सर्किट में करंट कम होगी या बढ़ेगी? सर करंट कम होगी ना। फिर यस सर, सॉरी, यू आर कीपिंग आई कांस्टेंट। ठीक है, तो वो प्रोपोर्शनली कम हो जाएगा करंट, है ना? ओके सर, ओके सर। ठीक है, तो ये है वीमैक्स का लेवल,
यहाँ तक कैपेसिटर चार्ज था Vmax। अब यहाँ पे हम लोगों को कुछ पैरामीटर कैलकुलेट करने हैं। इस लेवल को मैं सपोज कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो वैल्यू है हम मान रहे हैं कि स्टिल जो कांस्टेंट वोल्टेज है वैसा नहीं मिल रहा हम लोगों को, थोड़े से रिपल्स मिल रहा है, ये रिपल्स है, ये चेंजिंग है, ठीक है। इस वोल्टेज को मैं मान रहा हूँ वी आर है, ये रिपल वोल्टेज, ठीक है, ये रिपल वोल्टेज है। तो अगर मैक्सिमम लेवल वी मैक्स ये कैसे बना है, क्योंकि यहाँ तक कैपेसिटर की चार्जिंग थी, तो ये वी मैक्स है। और इस रिपल को, इस रिपल्स को मैंने मान लिया वी आर। क्यों रिपल बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ आउटपुट ऐसा कॉन्स्टेंट हो, पर आउटपुट कैसा मिल रहा है इस तरीके का, तो ये हमने रिपल मान लिया है, ठीक है, ये वी आर है। तो मुझे ये बताओ कि अगर ये वी एम है, ये वी आर है, तो ये लेवल कितना होगा, ये पॉइंट कितना होगा, वी एम माइनस वी आर। हाँ, ये सभी लोगों को क्लियर होना चाहिए ना, ये पॉइंट होगी वी एम माइनस वी आर, ठीक है। तो हम रिपल वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब अब आगे आप वेवफॉर्म देखो तो ये इसी टाइप का रिपल्स जो है, जैसे साइनसोडियल होता है ना कि दो स्टेट में, ऐसे है ये ऑल्टरनेटिंग टाइप का आपको मिल रहा है, सेम नेचर मिल रहा है, मतलब पीरियोडिक वेवफॉर्म मिल रही है आपको रिपल्स की। तो रिपल क्या है, यहाँ पे इस वेवफॉर्म की पीक टू पीक वोल्टेज कितना है, पीक टू पीक वोल्टेज वी आर है, ठीक है। साइनसोडियल में पीक टू पीक कितना होता है ऑल्टरनेटिंग का, V इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी, या ए साइन ओमेगा टी का पी पी वी मैक्स पीक टू पीक, जैसे ये साइनसोडियल है तो पीक टू पीक हम कैसे करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस, तो ये वी मैक्स ये माइनस वी मैक्स इन दोनों का डिफरेंस। तो अगर इसका पीक टू पीक वोल्टेज, ये हमने क्योंकि डिफरेंस किया हुआ है ना, ये डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो यहाँ से पॉजिटिव है तो वी आर। तो इसका मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा या डीसी वोल्टेज कितना होगा, मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा इसका, मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा, वीएम टू वीएम, टू वीएम वीआर के फॉर्म में बताओ मुझे, वीआर के फॉर्म में पीक टू पीक अगर वीआर है, साइनसोडियल में पीक टू पीक कितना होता है टू वी मैक्स, पीक टू पीक अगर यहाँ वी आर है तो मैक्सिमम कितना होगा, वी आर डिवाइड बाय टू होगा इसका आधा। क्यों, पीक टू पीक क्या होता है, दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव पोर्शन का और नेगेटिव पोर्शन का, तो डबल होता है एक्चुअली वो। तो यहाँ पीक टू पीक वी आर है तो मैक्सिमम वोल्टेज वी आर बाय टू होगा, ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज। आगे और ये मैं एक्सप्लेन करूंगा जब डेरिवेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या है। तो मैंने क्या किया समझो, मैंने यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज कैलकुलेट किया, ठीक है, आपको रिपल्स बताए कि आउटपुट वेवफॉर्म में रिपल्स कैसे आ रहे हैं, या कैपेसिटर का जो आउटपुट है वो कैसे प्लॉट किया हुआ है। अब हम इस वेवफॉर्म की, इस नए वेवफॉर्म की रिपल फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अभी नहीं करूंगा, नेक्स्ट वाली क्लास में, क्योंकि आज के लिए ये डेटा बहुत हो गया है, ठीक है। अभी बता दूंगा मैथमेटिकल डेरिवेशन, तुम लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो अगली वाली क्लास में तुम लोगों को करना क्या है, जो मैंने आज पढ़ाया है उस ऑब्जर्वेशन को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि उसमें मैंने कैपेसिटर का बिहेवियर बताया है आरसी सर्किट का, बहुत सारे लोगों को वो बिल्कुल भी नहीं पता है। इवन आरसी क्लास में भी मोर देन 60% लोगों को अभी वो क्लियर नहीं है कंसेप्ट। तो घर पे आराम से ये फिर से वीडियो देखना, आरसी सर्किट का जो मैंने एनालिसिस किया है वो देखना, क्योंकि आपकी मैथमेटिक्स और नेटवर्क थोड़ा से जो है उतने अच्छे नहीं है, तो टाइम लगेगा, पर ये ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। फिर जब कल वाली क्लास में आओगे तो ये वेवफॉर्म को मैं आगे फिर से एक्सप्लेन, इसी पार्ट से, ठीक है, इस वेवफॉर्म से हम इसके मैथमेटिकल जो है फैक्टर्स, मतलब रिपल फैक्टर की वैल्यू फाइनली मैं आप लोगों को बताऊंगा, फिल्टर की कैपेसिटर ये कंप्लीट हो जाएगा और एक इंडक्टर फिल्टर करेंगे। अगले दो मैक्सिमम वोल्टेज एक बार फिर से समझा दीजिए, वी आर बाय टू। बेटा पीक टू पीक स्विंग कितना है, पीक टू पीक जैसे मैंने ये बोला वी आर है, ठीक है। तो जो तुम्हारे साइनसोडियल सिग्नल होते हैं उसके पीक टू पीक की बात करें तो पीक टू पीक होता है यहाँ पे पीक टू पीक टू टाइम्स वी मैक्स, मतलब ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज। तो अगर पीक टू पीक इसका वी आर है तो ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम होगा, तो ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम शुड बी वी आर बाय टू, ये मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को। ओके सर, ठीक है, यस।
अगली वाली क्लास में हम लोग जो है बाकी एनालिसिस करेंगे कि इसकी वैल्यू जो है रिपल फैक्टर की कितनी होगी, ठीक है, मैक्सिमम या ये एक्चुअली मैं पीक वोल्टेज रिपल की ये निकालना चाहता हूँ, तो मैक्सिमम रिपल वोल्टेज को बोल सकते हैं, ठीक है, ये वी आर बाई टू होगी। अगली वाली क्लास में और एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे आ रहा है, उसके पहले वेवफॉर्म समझना जरूरी है, क्योंकि आधे लोगों को ये अभी पोर्शन क्लियर नहीं है, ठीक है, वो रिस्पॉन्स मुझे समझ में आ रहा है, तो एक बार पूरी क्लास फिर से जो है देखो, वीडियो लेक्चर ध्यान से देखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आज वाली क्लास का वीडियो लेक्चर सभी लोग फिर से देखना और कैपेसिटर सर्किट समझना, फिर वापस आना कि कैसे एनालिसिस किया है, वेवफॉर्म कैसे बनाई है, तो ये वेवफॉर्म आप लोगों को क्लियर हो जाएगी, फिर अगली वाली क्लास में हम एक 10 मिनट में ही डेरिवेशन कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड डे सर। ओके।